अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अम्मी जीनत वापस आ गई। और मैं उसे घर वापस लेकर आ रहा हूं। अल्लाह, मेरी जीनत घर वापस आ रही है। मौला, तेरे घर में देर है मगर अंधेर नहीं, मेरी जीनत आ रही है। मेरी जीनत, मेरी जीनत, मेरी जीनत घर वापस आ रही है। कुर्ती अप्पा, क्या है जी? आपका खाना रख दे वहां टेबल पे। मुझ पे ताला जादू करेगा, जादू पड़ा करेगा। लेके जा, जहर है, लेके जा, जा, जा यहाँ से, जा, जा, जा। जीनत वापस आ गई और मैं उसे घर वापस लेकर आ रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है? हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? साहिर और हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है जिसमें जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर हमें बुरा क्यों लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है हमें? क्यों ये सुनकर कि उनकी दूसरी पहली बीवी वापस आ रही है, हमारे दिल में अजीब सा एहसास हो रहा है। क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ सुनकर अनसुना कर दे? हम दूसरी बीवी तो बन गए, लेकिन दूसरी बीवी होने का एहसास आज समझ में आ रहा है। इतने सारे सवाल, कौन है जीनत, कहाँ थी इतने दिन, साहिर और उनका रिश्ता कैसा था, क्या साहिर आज भी उनसे मोहब्बत, क्या साहिर आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं? लेकिन हमें ये सारे सवाल क्यों परेशान कर रहे हैं? साहिर और हमारा तो ऐसा रिश्ता ही नहीं है, तो हमें क्यों फर्क पड़ रहा है? सुनो, वो मैं मुझे तुमसे आपकी बीवी का नाम जीनत है।
आरज़ू। हाँ जीनत है, फुहार आ रही है और मैं। अचानक से क्यों? कहाँ से आ रही हैं? कहाँ थी वो इतने दिन? क्या उन्हें पता है कि आपने हमसे दूसरा निकाह किया है? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में बहुत से सवाल हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, हमारा निकाह जीनत का है ना? हमने तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछा था, आप तो सफाई देने लग गए। और आप फिक्र ना करें, अगर आपको नहीं बताना है ना तो मत बताइए। और वैसे भी जो सच हम पहले से जानते हैं उसका सामना करने की हिम्मत है हमें। और वैसे भी हमारा वैसा रिश्ता नहीं है जहां आपको हमें सच बताना पड़े। इनफैक्ट हमें तो आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, आपकी पहली बीवी जो वापस आ रही है। कांग्रेचुलेशंस। मैंने इसे छत से नीचे गिरते हुए देखा। मैंने कहा था इस रंग के कपड़े इस घर के लिए मनहूस हैं। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी मेरी बात। पुलिस स्टेशन, मैं साहिर अजीम चौधरी बोल रहा हूँ। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, मनहूसियत ने तो इस घर में अपना डेरा ही जमा लिया है। ये निकाह होना ही नहीं चाहिए था। कुर्ती आपा, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। इस घर में मौत का साया मंडरा रहा है, वो भी इस मनहूस बकरी की वजह से। बकरी, तूने अपने ऊपर आई मुसीबत उस गरीब के ऊपर डाल दी। तुमने अपने कपड़े उसे दे दिए, उस गरीब की मौत तुम्हारे सर। कुर्ती आपा, आरजू का इसमें कोई कसूर नहीं है। हो सकता है उसने खुदकुशी की हो। बेगम, आखिर वो खुदकुशी क्यों करेगी? कर सकती है, होगी कोई वजह। जिंदगी में लोग बहुत सारे राज छिपा के जीते हैं।
राज छुपाकर तो ये हवेली भी जी रही है बेगम। आप चाहे जो भी कह लीजिए, ये खुदकुशी नहीं, ये कत्ल है। कुर्तियापा, आपके कहने का मतलब क्या है? हम सब में से कोई कातिल है। कौन है कातिल, आप या फिर अनम, जकी, अम्मी या फिर आरजू या आरजू की अम्मी? मैं तो नहीं। कौन कौन है कातिल? कोई है, वो है तो जरूर लेकिन दिखता नहीं है। कुर्तियापा, आप खामा खा की बातें करके सबको परेशान मत कीजिए। परेशानी मेरी वजह से नहीं, परेशानी इसकी वजह से है। मनहूस है ये लड़की, मनहूस। कुर्तियापा, अगली बार आरजू के बारे में बात करने से पहले याद रखिएगा कि आरजू मेरी बीवी है। बेटा, मैं ये नहीं जानती कि ये जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पर ये जानती हूं कि ये सब तुम्हारे और साहिर के निकाह के बाद शुरू हुआ है। ये एकदम जीनत का आ जाना और वो तुम्हारे कपड़ों का ऐसे खराब हो जाना और फिर ये रुबीना की मौत और अब ये कुर्तियापा के इल्जाम लगाना, पता नहीं इस घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्योंकि कोई नहीं चाहता अम्मी कि हम इस घर में रहे, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। आप बेफिक्र रहिए अम्मी, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। हमें अपनी फिक्र नहीं, बस बेचारी रुबीना का अफसोस है। आखिर किसी की उससे क्या दुश्मनी थी? रुबीना, आज से एड्रेस तुम्हारा हुआ। शुक्रिया। रुबीना ने हमारे दिए हुए कपड़े पहने थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हाल रुबीना के साथ हुआ वो हमारे साथ, मतलब हमारे साथ, मतलब अगर वो हमारे कपड़े ना पहनती तो हम मारे जाते। वो हमारी जगह मारी गई। पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस घर में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज अम्मी, आप थोड़ी देर आराम से पहले बैठ जाइए। इस घर में एक लड़की छत से नीचे गिरकर मर गई है और तुम कह रही हो मैं आराम से बैठ जाऊं? अम्मी, मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं, इसीलिए। हाँ साहिर, मैं परेशान हूं, लेकिन मुझे हैरानी तो इस बात की है कि तुम परेशान नहीं हो। इतनी इत्मीनान से बातें कर रहे हो जिसे कुछ हुआ ही नहीं। आप मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं साहिर, मैं तुम पर शक क्यों करूंगी? पता नहीं साहिर मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ एक हादसा है। तुम कैसे कह सकते हो? ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसको छत से धक्का दिया हो। अम्मी, आप सुन के देखिए आप क्या कह रही हैं। कौन, क्यों? आप बैठिए बैठिए। मैं पीछे साहिर, जब से तुम्हारा निकाह हुआ है तभी से इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश में
बर्बादी ला रही हूँ। अम्मी एक माँ चाह के भी अपने बेटे के साथ बुरा नहीं कर सकती। जो कुछ हो रहा है, जो भी है, सिर्फ एक इत्तेफाक है। नहीं, अगर इत्तेफाक बार बार होने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि ये इत्तेफाक नहीं, साजिश है। तुम्हारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, हम सबके खिलाफ कोई मनहूस साया। अम्मी आप भी कुर्ती आपा की बातों में आ गई। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहिर। पता नहीं अल्लाह हमारे साथ ये सब क्यों कर रहा है। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अमेरिका में जीनत के ऊपर हुआ हमला सिर्फ एक हादसा था? पुलिस के आने के पहले आ जाऊंगा। साहिल सा... हेलो जकी बेटा। बेटा मैंने इसलिए फोन किया है कि मैं जानता हूँ आपने मुझे क्यों फोन किया है। आपने मुझे घर वापस बुलाने के लिए फोन किया है। प्लीज घर आने के अलावा आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन उन चार दीवारी में वापस लौटना मेरे लिए नामुमकिन है। इस नामुमकिन को मुमकिन करना पड़ेगा बेटा। इस घर को, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या क्या हो गया है। इस घर में कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है बेटा। कोई बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है यहाँ पे। बेटा तुम्हें जल्द से जल्द आना पड़ेगा। इस घर को तुम्हारी जरूरत है बेटा, और इस घर को बचाना तुम्हारा फर्ज है। इंसान एक बार मोहब्बत से तो अपनी आंखें मोड़ सकता है, लेकिन अपने फर्ज से नहीं बेटा। आप ठीक कह रही हैं। मैं घर वापस आता हूँ। शुक्र है अल्लाह का। कौन ये खेल खेल रहा है और ये खेल क्यों खेल रहा है? इन सवालों के जवाब बेटा तुम्हें ही आके ढूंढने हैं। साहिर से तुम्हें कुछ भी कहती हूँ वो तो उल्टा मुझे ही खामोश कर देता है। बस बेटा अब तुम जल्दी से आ जाओ। अल्लाह हाफिज़। यूं बार बार मुझे फोन करके यहां बुलाने का क्या मतलब है? देखिए मैंने आजू से निकाह कर लिया है और समायरा और जकी का निकाह भी हो। जकी और समायरा का निकाह नहीं होगा और ना ही ये डील होगी। मेरी बेटी का निकाह अगर जकी से नहीं हुआ तो सारी उम्र वो बदनामी का दाग लेकर जिएगी, पर कम से कम जिंदा तो रहेगी। और अगर आपके घर की दुल्हन वो बनी तो क्या भरोसा जिंदा रहेगी ही या नहीं? साहिर साहब आपने हमें धोखा दिया है। आपने मुझसे ये बात छुपाई कि आपकी हवेली मनहूस है और आप सब भी मनहूस हैं। आपकी पहली बेगम का हश्र भी मुझे पता है और आपकी दूसरी बेगम का भी अब वही हश्र होगा। और नौकरानी का कत्ल, अगर मेरी बेटी उस घर में दुल्हन बनकर गई तो उसके साथ भी यही सब कुछ होगा। नहीं साहिर साहब नहीं, मैं अपनी बेटी से बेपना मोहब्बत करता हूँ। दागदार ही सही पर उसकी जिंदगी तो सलामत रहेगी। रहमान साहब आप पढ़े लिखे,
आप ऐसी बातों पे कैसे यकीन कर सकते हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसी की साजिश है? साजिश है तो आप पता लगाइए कि आपके घर में कौन साजिश कर रहा है। मेरी बेटी इस घर की तब तक दुल्हन नहीं बनेगी जब तक आप पता नहीं करते। आपके घर पर मौत छाई हुई है और मैं किसी कीमत पर अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है और ना ही अब कोई डील होगी।